हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक और टॉपिक देखेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज क्या होता है? ऑक्सिलरीज को हम बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो कि एक सेंटेंस में यूज़ हो जिसमें मेन वर्ब भी होगा लेकिन ऑक्सिलरीज जो है वो उस सेंटेंस को हेल्प करता है कंप्लीट होने में। हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं हम। तो बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव बीन, टू डू, माइट, मे, ये सारे ऑक्सिलरीज होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम करते हैं। तो पार्ट ए में हमको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है, इज या एम या आर। तो इज़ और आर तो आपको पता ही है कहाँ यूज़ होता है, सिंगुलर प्लूरल में। एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है। तो आई डैश वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। सेकंड, द कार डैश रेड इन कलर। तो कार है, सिंगल है, इसके साथ क्या यूज़ होगा, इज़। द कार इज़ रेड इन कलर। मैरी डैश प्लेइंग बास्केटबॉल विद हर फ्रेंड्स नाउ। तो मैरी जो है वो सिंगल पर्सन है, मैरी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैरी इज़ प्लेइंग बास्केटबॉल विद हर फ्रेंड्स नाउ। यू डैश नॉट अ मेम्बर ऑफ दिस क्लब। यू के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, आर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आर नॉट अ मेम्बर ऑफ दिस क्लब। डैश आई राइट, आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। सिक्स, द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग गेम इन द गार्डन नाउ। चिल्ड्रन, देखो चिल्ड्रन होते हैं बहुत सारे, बहुत सारे बच्चे। अगर चाइल्ड होता तो सिंगल होता, चिल्ड्रन हो गया बहुत सारे, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आर। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम इन द गार्डन नाउ। द टी डैश वेरी हॉट। टी सिंगल चीज़ है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो टी इज़ वेरी हॉट। डैश दैट योर बुक, यहाँ पे एम यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल चीज़ है, बुक है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इज़ दैट योर बुक, क्वेश्चन मार्क। डैश दोज योर फ्लावर्स, फ्लावर्स हैं बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो उसके साथ क्या होगा, आर यूज़ होगा, आर दोज योर फ्लावर्स। द पुलिस मैन डैश चेजिंग द थीफ। देखो पुलिस मैन है, मैन मतलब बहुत सारे, अगर पुलिस मैन होता एम ए एन तो सिंगल होता, लेकिन पुलिस मैन मतलब प्लूरल, तो पुलिस मैन आर चेजिंग द थीफ। पार्ट बी में हमको यूज़ करना है फिल इन द ब्लैंक्स में वॉज और वर। पास्ट के बारे में ही बताते हैं, वॉज जो कि हो चुका होता है, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। सुजैन डैश लेट यस्टरडे। सुजैन कल लेट थी, तो इसमें क्या होगा, वॉज, सिंगुलर है, सुजैन वॉज लेट यस्टरडे, मतलब ये काम हो चुका है, तो इसमें हम वॉज और वर यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में हो गया होता है। द सोल्जर्स डैश मार्चिंग अक्रॉस द ब्रिज। सोल्जर्स है बहुत सारे हैं, तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, वर, डब्ल्यू ई आर ई, द सोल्जर्स वर मार्चिंग अक्रॉस द ब्रिज। होंग मिंग एंड मी श्योंग डैश द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। दो लोग हैं, प्लूरल है, तो क्या आएगा, वर, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। मिस्टर ल्यूंग डैश इन टोक्यो लास्ट वीक। सिंगुलर पर्सन है, तो क्या होगा, was in Tokyo last week. It dash is sad story. तो past है, अगर present होता तो हम यहाँ पर is भी use कर सकते थे, लेकिन was हमें use करना है, तो क्या आएगा, it was a sad story. ये एक दुख भरी कहानी थी, was. I dash very sorry about that. I was very sorry about that. The house dash on fire last night. घर जो था उसमें आग लग गई थी पिछली रात को, तो क्या होगा, हाउस क्या है, सिंगुलर है, द हाउस वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट। यू डैश नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। यू के साथ जैसे इज़ हम यूज़ नहीं करते, वैसे वॉज भी यूज़ नहीं कर सकते, सिंगुलर है, तो यहाँ पे यू के साथ हम यूज़ करेंगे वर। यू वर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, तुम मेहनत नहीं कर रहे थे। डैश शी एंग्री विद यू। She है सिंगुलर है, तो was she angry with you, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। टेंथ एंड लास्ट, डैश
यू देयर यस्टरडे, यू के साथ वार यूज़ होता है, डब्ल्यू ई आर ई, वार यू देयर यस्टरडे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। तो बहुत सारे आप सेंटेंस ऐसे बना सकते हो जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ हो, ऑक्सिलरीज यूज़ हो। खुद से बनाने की कोशिश करो, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू।